मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है। चुड्डी कर ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक ऑर्डर पूरा करना है, अगर नहीं क्या तो मुसीबत हो जाएगी। जा, तू अगर नहीं जाएगी तो फैक्ट्री में ताले पड़ जाएंगे ना। जा जा शाबाश, जा चल जा, मरने दे मुझे, जा। सुनी
नशे से कम तो नहीं, नशे से कम तो नहीं याद यार का आपका मर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितना दवाओं से हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। फिर मुस्तकिल इलाज क्या है डॉक्टर साहब? यहाँ तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता अमेरिका में मुमकिन है। डॉक्टर साहब, यहाँ खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप बैरून मुल्क के मशवरे दे रहे हैं। देखिए, जो हो सकता है मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही भूल गए मुझे। पलटकर पूछना भी गवारा नहीं किया। एक महीने से ऊपर हो गया। तू क्यों उम्मीद लगा रहा है यार? अहमद तो बच्चा है, उसका दिल लग गया होगा वहां। हाँ, जहां तक फिजा की बात है तो उससे ऐसी कोई तवक्को रखना ही बेवकूफी है। May I come in, sir? Come in. आपने बुलाया था? अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, सारा ने रिजाइन कर दिया है, उसे किसी और जगह से ऑफर आ गई है, इसलिए तुम अपनी पुरानी जगह पे आ जाओ, मैंने ऊपर बात कर ली है। जी सर, थैंक यू। भूख लगी है? अम्मी, मेरे जूते फट गए, नए जूते दिलवा दे। भी पापा के लिए दवाइयाँ लेनी है ना, तो नए जूते तो नहीं खरीद सकते, मगर मैंने ठीक करवा देती हूँ आपके लिए। हुँ? पर ये तो पूरे फट गए, स्कूल में भी रोज डांट पड़ती है। दिखाओ मुझे, मैं इनको अभी ठीक करवा देती, बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपको डांट नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है,
चलो अपनी बुक समेटो जल्दी से। माशाल्लाह बहुत इंप्रूव कर रही हैं आप। इसी तरह प्रोग्रेस होती रही ना तो इंशाल्लाह एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आमना को कहता हूँ आपकी बैक की मालिश कर देगी। आमना, 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 आवाज नहीं आती, कब से आवाजें दे रहा हूँ। अम्मी का बैक मसाज कर दो। आप आमना कहकर आवाजें दे रहे थे, मेरा नाम शहनाज है। ज्यादा बातें नहीं करो, अम्मी का मसाज। अहमद कैसा है? ठीक है मामा, बस पढ़ाई में लगा रहता है। पहला साल है ना, मुश्किल है थोड़ा। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ घर वगैरह सब सेट हो गया ना? जी हो गया, मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। किसी और चीज की जरूरत है तो बताओ। नहीं मामा, आप बताएं डैड कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। चले मेरा सलाम कहिएगा, मैं बाद में कॉल करूंगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपको सलाम कह रही थी। सारी फालतू बातें कर ली आपने और काम की बात की नहीं। कमाल अभी वक्त नहीं है वो बात करने का। आप कह रही हैं आप ये कि वक्त नहीं है? अली एक महीने से वहां गया हुआ है मेरे कहने पर उससे मिलने के लिए और आप कह रही हैं कभी वक्त नहीं आया। आप तो जानते हैं ना उसकी तबीयत को, अभी बात करूंगी तो चिढ़ जाएगी। इसी लापरवाही ने बर्बाद किया उसे। अली को मैं खुद कहता हूं कि जाके उससे मिल ले। Thank you.
उमर क्या हुआ, रो क्यों रहे? टीचर ने मारा है। मारा है? क्यों मारा? मेरे जूते देखे ना आपने? उन्होंने कहा है अगर कल ना जूते नहीं पहन कर आए तो क्लास में नहीं बैठने दूंगी। सही सी बात है। आओ मेरे साथ। अरे आओ तो सही, जा बैठो। हम आपके लिए यहाँ नए जूते लेने। नहीं नहीं आप मत दिलवाएं। क्यों? अम्मी बहुत डांटेंगी। तो अम्मी को बताने ही नहीं ना यार। नहीं मैं अम्मी से झूठ नहीं बोलता। अम्मी से झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। आप बता दें उनको, अगर उनको बुरा लगे तो कह देना फेंक। ठीक है चलो और देखते हैं अच्छे जूते किधर है। वो अरे उमर उधर ये रहे। कौन से अच्छे हैं? ये वाले। चलो मंगाते हैं। शूज भी ये ब्लू वाले शूज करते हैं। ठीक है चल के देखो। जबरदस्त। यू वेलकम। कितने पैसे हुए इसके? 마? ये जूते कहाँ से आए तुम्हारे पास? जैद अंकल ने दिलाए। चलो मेरे साथ। जैद अंकल तुम्हें कहाँ से मिल गए? स्कूल के बाहर से। जूते क्यों लिए? मैंने मना किया था ना आपको। अम्मी सर ने आज मारा भी था और स्कूल आने से भी मना किया था। तो किसी से भी जूते ले लोगे आप? उतारो ने मैं फौरन वापस कर दूंगी उन्हें। नहीं अम्मी इनको वापस मत करो, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। प्लीज अम्मी मुझे रखने दे प्लीज। अच्छा ठीक है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। पुराने जूते पहनकर जाना, पुराने जूते पहनकर वापस आना। ठीक है इनको हम कहीं छुपा देंगे। अगर अब्बा को पता चल गया ना बहुत बुरा होगा हमारे साथ। ओके ओके चलो रुक जाओ उमर।
पुराने जूते कहाँ हैं आपके? हाँ, इनको जल्दी से पहन लो, नए वाले जूते हम छुपा देंगे। उधर सही है, रोज आना, पहनो जल्दी। बस यार, मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया। तू नहीं सुधरेगा, बस अब कल जूते खाने के लिए तैयार हो जा। जो जूते तूने दिलाए थे ना, वही जूते से लाकर मारेगी तुझे। हाँ जानता हूँ यार, जानता हूँ, वापस कर देगी। लेकिन उस जो मेरे दिल ने कहा मैंने कर दिया, अब बाद में जो होगा देखा जाएगा। वैसे यार ये आमना कुछ अटक सी गई है तुझ पर। नहीं मतलब ज्यादा दिन तक तू दूर नहीं रह पाया उससे। एक बात सुन, मुझे सिर्फ उम्र का ख्याल आया था इसलिए मैं चला गया। रो रहा था तो मैंने जूते दिला दिए, उसमें ऐसी क्या बात है? इस मुल्क में हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जूते तो क्या, खाने के लिए कुछ नहीं, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैं जितनों के लिए कर सका ना करूंगा, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ चलकर। बस ये दुआ कर कि आमना सबके सामने जूते ना मारे तुझे। वाह भाई, आमना के नाम से जूते खाने पर भी मुस्कुरा रहा है। थैंक यू जेड अंकल। यू वेलकम। अच्छा ये बताओ, अम्मी ने डांटा तो नहीं था? थोड़ा सा डांटा फिर मान गई। अच्छा। जी चलो अब दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। चलो लगता है माफ कर दिया मुझे। कितनी अजीब बात है ना जान, बाज लोग कम से कम में खुश रहना सीख लेते हैं। उमर को ही देख लो, मामूली से जूते ने कैसे उसके चेहरे पे खुशियां बिखेर दी। इंसान की फितरत है जैद, कोई चीज आपकी दस्तरस से बाहर हो और वो आपको मिल जाए तो बहुत खुशी मिलती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बाजों के लिए छोटी छोटी खुशियां और ख्वाहिशें मैटर नहीं करती यार। बड़े बड़े ख्वाबों और ख्वाहिशों के पीछे छोटी छोटी खुशियों को जीना छोड़ दें। इस ख्वाब और ख्वाहिशों के कभी ना खत्म होने वाले समंदर में ऐसे गुम होते हैं कि जब उनको पता चलता है कि इस शराब के पीछे भाग रहे थे तो सही है, रिश्ते और ये छोटी छोटी खुशियां सब कुछ छिन चुके हैं। तू फिर कंपैरिजन कर रहा है ना जैद, ये जानते हुए भी कि इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ यार, बस ये कह रहा हूँ कि इंसान अगर खुश रहना चाहे ना तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान है। देर हो रही है, क्लाइंट वेट कर रहा था। क्या हो गया सर्दी क्यों खड़ी हुई है? मैं
बस देखने आई थी कि तुम्हारी दवा अब है या खत्म हो गई है। अभी एक दो दिन की दवा बाकी है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। मैं कल जाके ले आऊंगी तुम्हारी दवा। चाय तो दे दे मेरी। चल जा। बस मामा, जॉब से आने के बाद इतनी थक जाती हूँ कि कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती। तो बेटा क्यों करती हो जॉब? तुम्हारा जो भी खर्चा है हमें बताओ, हम यहाँ से भेज देंगे। अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा सकती हूँ। अच्छा चलो ये बताओ, अली से मुलाकात हुई? जी, लंच पर गए थे हम लोग। तुम्हें कैसा लगा अली? क्या मतलब? ठीक है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं बेटा, बस ऐसे ही। दरअसल तुम वहाँ किसी से मिलती जुलती नहीं हो ना, इसलिए। बस मामा, यहाँ जिंदगी इतनी बिजी होती है कि खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। अच्छा चलो फिर मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी। हम दोनों तुम्हारे पास आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा अहमद को बहुत प्यार देना और अपना ख्याल रखना। ओके मामा, मैं फिर फोन करूँगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओए, क्या छुपा रहा है ये? क्या छुपा रहा था? निकाल बता। कुछ नहीं है। निकाल बाहर, निकाल निकाल बाहर। कहां से लाए? बता कहां से लाए? चोरी करके लाया क्या? नहीं अब्बा। बता कहां से आए? बता वरना बात मारूंगा। अबे बोल ना। बोल, तुझे कह रहा हूं, बता कहां से आए? अंकल ने दिए। कौन से अंकल ने दिए बता? मैं बता कौन से अंकल ने दिए? नाम बता। जैद अंकल ने।